हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नोवल स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा नाउन का क्लास था जो हमारा एंड हो गया है, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारा चैनल नोवल स्टडी है, जिसमें हम आपको टारगेट बैच, ज्वाइनिंग बैच, सारे बैच पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा, सब्जेक्ट वर्ब ये दोनों का कंबाइन कॉम्बिनेशन होता है। जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, उसको क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा, देखो जैसे कि हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है हमारी, इज, ठीक है, वाज, हैज, एस या ईएस। ठीक है, ये हमारी सिंगुलर वर्ब होती हैं। प्लूरल वर्ब के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैव, वर और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, वर्ब को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ ये समझना होता है, ऐसे आई एस में क्या होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो उसके जो वर्ब होती है उसके साथ हम एस लगाएंगे या ए एस लगाते हैं। ठीक है, और हमारी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या कराते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। हम रूल पर बात करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इसके रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके कुछ 20 समथिंग रूल है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, रूल पर बात करेंगे। फर्स्ट रूल देखिए आप लोग, तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ हमारे रूल्स होते हैं, तो इस रूल्स पर हम बात करेंगे। हमारा फर्स्ट जो रूल है वो समझ लेते हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल समझ लेते हैं क्या है। यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हैं और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, देखो सेंटेंस से समझते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। यदि सेंटेंस में हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, ये एंड है हमारा राम एंड मोहन, ये क्या है हमारे अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, एंड क्या है हमारा एक कंजक्शन है, जिसको हम कंजक्शन में पढ़ाएंगे। ठीक है, राम एंड मोहन आर गोइंग टू अमेरिका। ठीक है, अलग अलग हमारे सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ये क्या है हमारी, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस इज करेक्ट, हमारा सेंटेंस सही है। आपको रूल समझ में आना चाहिए, ओनली ये हमारा एम है ओनली। देखो मोहन एंड नरेश अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वर प्लेइंग, वर क्या होता है हमारा, प्लूरल वर्ब में आता है, अभी मैंने बताया था आपको, वर प्लेइंग देयर। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, यानी कि हमारा फर्स्ट रूल इज कंप्लीट। सेंटेंस में दो सब्जेक्ट अगर हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, रूल्स पर हम बात करेंगे, सेकंड रूल्स क्या है हमारा, यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हैं और दोनों क्या है हमारे एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एक ही फैमिली से क्वालिटी या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है एक ही फैमिली से हो, ठीक है, एक ही क्वालिटी हो या एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। ये हमारा जो रूल्स है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा, हम लोग देखते हैं हमारा एंड लगा है, तो हम इसके साथ क्या करते हैं,
प्लूरल वर्ब का यहाँ पे यूज कर देते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट किस क्वालिटी का है। देखो स्लो एंड स्टीडली विन द रेस, इसमें देखो हमारा जो इनकरेक्ट हमारा सेंटेंस दिया है उसमें हम करेक्ट करेंगे इसको। विन क्या है हमारी, इसमें हमने क्या पढ़ा है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, बट यहाँ पे आप हमारा विन क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल वर्ब के साथ हम सिंगुलर वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस, तो विन के साथ क्या हो जाएगा, विन्स। ठीक है, द रेस यानी कि स्लो एंड स्टीडली, क्या अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, हमें क्या सीख देता है ये, धीरे और सीधे चलने से यानी बिल्कुल सामने डायरेक्शन, द रेस विन्स द रेस, रेस जीती जा सकती है। ठीक है, स्लो चलने से भी हमारी रेस जीती जा सकती है, बस क्या निरंतर चलना पड़ेगा हमें, स्टीडली मीन्स निरंतर। देखो यहाँ पे सेकंड देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फिश एंड चिप्स, ये हमारा एक ही क्वालिटी है, एक बार समझ लीजिएगा आप लोग, एक ही क्वालिटी है हमारा। स्लो एंड स्टीडली क्या है, हमारा एडियम भी होता है, कुछ एडियम भी होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे सेंटेंस होते हैं और इसके साथ में आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, इसके बेट एंड बटर वाला भी होता है। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, इसमें देख लीजिए फिश एंड चिप्स, ये हमारा क्या है, एक ही क्वालिटी को, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, किसके साथ क्या लगा है हमारा, इज, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड रूल इज हमारा कंप्लीट, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको लास्ट के सेशन में कराता हूँ, तो प्लीज़ लास्ट का सेशन ज़रूर देखा करें। उसमें हम 20-30 क्वेश्चंस लेते हैं, उसको रिकवर करते हैं एमसीक्यू टाइप में। सेकेंड इज हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, यदि सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, ज्यूरी क्या होती है हमारी, टीम, कमेटी, ऑडियंस, पीपुल, ईटीसी, ज्यूरी क्या होती है, एक टीम होती है जो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट या कोई से भी कोर्ट में क्या होती है, एक टीम होती है जो निर्णय लेती है एक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो ग्रुप में रहती है हमेशा, क्या रहती है, ग्रुप में। कुछ लोगों की टीम होती है, कुछ नोबल लोगों की टीम होती है, ये टीम हमारा कमेटी हो गया, ऑडियंस, पीपुल, और भी बहुत सारे होते हैं, पीपुल, क्राउड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको नाउन, अगर आपको नाउन की क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, देख लीजिएगा आप लोग। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो द टीम इज स्टैंडिंग देयर, द टीम इज स्टैंडिंग देयर फॉर प्लेइंग, द टीम दिया है हमारा, टीम के साथ क्या लगाते हैं हम, यानी कि टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज, इज मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, इज स्टैंडिंग देयर फॉर प्लेइंग। ठीक है, हमारी टीम खड़ी है वहाँ किसके लिए, खेलने के लिए। द टीम वाज टेकन ग्रेट डिसीजन, देखो जा ज्यूरी, ज्यूरी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, ये क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ग्रेट डिसीजन, ये भी हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि जो थ्री रूल्स थे हमारे वो करेक्ट हो गए। और हम नेक्स्ट रूल पर बात करेंगे, देख लीजिएगा, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारे रूल्स हैं, रूल्स नंबर 4 समझ लीजिए, इसके हमारे समथिंग 20 रूल्स है, वो तो सारे रूल्स हम आपको पढ़ाएंगे और सारा आपको कंटेंट बताएंगे स्टार्टिंग से। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो फर्स्ट रूल है वो समझ लेते हैं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या दिया है, एज वेल एज, बिसाइड एज, लाइक अनलाइक, नो सूनर देन यानी रेदर देन, बट दिया है, नथिंग बट दिया है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे दिए हैं, तो जो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि इसका इसके साथ जो हमारे सेंटेंस में लगे हैं, ठीक है, इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम, राकेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स, ठीक है, एज वेल एज क्या होता है, साथ, हिंदी भी समझ लीजिए, राकेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग टू मी टुडे, यानी राकेश और उनके क्या है, पेरेंट्स और उनके जो परिवार है, पूरे फैमिली यानी माता पिता, राकेश के साथ साथ उनके माता पिता भी आ रहे हैं, ठीक है, टुडे आज। तो यहाँ पे समझ लीजिए राकेश हमारा सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये हमारा सिंगुलर है,
ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर। ठीक है, अगर ये हमारा प्लूरल होता तो ये भी क्या होता, हमारा प्लूरल। देखिए दोस्तों, हम आपको कर क्या रहे हैं, एक हम आपको रूल पढ़ा रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग हम आपको दो क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, इसके और ज्यादा भी एग्जाम्पल है, वो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। जब भी इसका प्रैक्टिस कराएंगे हम लास्ट वाले सेशन में, आपका प्रैक्टिस ले लेंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट समझ लीजिए, माय फादर अनलाइक माय अंकल हिज स्ट्रिक्ट। ठीक है, मेरे पिताजी किसको हेट करते हैं, अनलाइक मतलब पसंद नहीं करना, माय अंकल्स उनके जो अंकल्स हैं उनको। ठीक है, इज स्ट्रिक्ट, ये हमारा क्या है, प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर। ये हमारा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, ये भी क्या रहेगी हमारी, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यदि देखो हमारे ये सब रूल हमारा क्लियर हो गया, होपियो आपको भी समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। ठीक है, हम देखना क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ अगर सेंटेंस में हमारे एज वेल एज, बिसाइड एज, लाइक अनलाइक, मोर सूनर देन, बट नथिंग, ये सारी चीजें दी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हम क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड दोनों चीजों को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। यदि दो सेंटेंस हमारे आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो नन और बट, ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उसके क्या करते हैं, हम नजदीक वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते, आइदर ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और जुड़ा है ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट। नजदीक वाले के मतलब क्या होता है, नजदीक वाला यानी कि वर्ब के जो नजदीक है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। हिज पेरेंट्स, ये क्या है हमारे, हिज पेरेंट्स, ये क्या है, प्लूरल है हमारे, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, है। ठीक है, एज हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट समय लेते हैं, नाइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैज नॉट कम। ठीक है, हैज नॉट कम, यहाँ पे भी क्या होगा, है। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्या रूल है हमारा, आइदर ऑफ का मीन्स क्या होता है, दो में से एक किसी चीज को कलेक्ट करना। नाइदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं, नाइदर मतलब नेगेटिव, नेगेटिविटी दिखाता है, ऑल ऑफ मतलब सब में से एक, ऑल मतलब ऑल ओवर में सब में से एक को फिर सिलेक्ट करना, नन ऑफ मतलब सब में से एक भी को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, रूल्स क्या होता है इसका, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डिटर्मिनर, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, हमें क्या रिलेटेड करना है, सिंगुलर वर्ब से। यदि हमारे सेंटेंस में आइदर ऑफ, नाइदर नो, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ दिया है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पर देख लेते हैं इसका रूल। देखो, आइदर ऑफ फाइव स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, यानी कि आइदर ऑफ किसके लिए यूज करते हैं, दो में से एक के लिए। ठीक है, यानी कि पांच स्टूडेंट में दो में से कौन, पांच में से कितने इंटेलिजेंट है, ओनली दो। ठीक है, ये हमारा इसका मीनिंग है। तो मैं मीनिंग से, हिंदी मीन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली समझना है सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश में। आइदर ऑफ दिया है, डिटरमिनेंट दिया है हमें फाइव, डिटरमिनेंट क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अवर भी हो सकता है हमारा, माय भी हो सकता है, ठीक है, दा भी हो सकता है, आर्टिकल कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम डिटरमिनेंट यहाँ पे यूज करते हैं। तो आइदर ऑफ फाइव स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन, यदि प्लूरल नाउन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कलेक्ट हो गया हमारे, ये हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट समझते हैं, नाइदर ऑफ फाइव मेंबर्स इज काइंडलेस, यानी कि फाइव मेंबर्स में से कोई भी, यानी दो भी हमारे क्या नहीं है, काइंडलेस यानी कि दयालु नहीं है। ठीक है, नाइदर दिया है, नाइदर से कंप्लीट हो गया हमारा। ऑल ऑफ दिया है, ऑल किसके लिए लगाते हैं, हम सबके लिए, ऑल किसके लिए लगाते हैं, सबके लिए। ऑल ऑफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू प्रिपरेशन ऑफ SSC एग्जाम। ठीक है, यानी ऑल ऑफ द स्टूडेंट, इन सारे स्टूडेंटों में एक लड़का या एक बॉयस ऐसा है जो प्रिपरेशन कर सकता है, किसकी, SSC एग्जाम की। ठीक है, जो हमारा रूल्स था वो सिक्स वाला कंप्लीट हो गया है। बेसिकली इसके रूल्स और भी हम इसके प्रैक्टिस में करेंगे, लास्ट सेशन में करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लीजिए, हमें जो आइदर और दिया है, अगर दो से अगर ज्यादा आते हैं हमारे सब्जेक्ट, सॉरी दो से ज्यादा अगर हमारे
मेंबर्स दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली उनके साथ हम क्या यूज करेंगे ऑल ऑफ, ठीक है, दो से अधिक में आइदर, दो से कम के लिए नाइदर और नन, ठीक है। नेक्स्ट